Thank you.
सर रोज की तरह आपके लिए कॉफी। सर आपके हाथों में क्या हुआ? क्या हुआ? सर सर कॉफी। बड़ी जल्दी है तेरे को, क्या छुपा रहा है साले? दिखा क्या है उस हाथ में साले, दिखा तेरे हाथ में क्या है? तेरी माँ की। ए वेटर इधर आ। सर सर अब ठीक तो है? कौन था वो? पता नहीं सर, हर रोज आता है, एक कप कॉफी पीता हुआ चला जाता है, लेकिन आज मैंने उसके हाथों पे कुछ जला हुआ सा देखा, जैसे ही मैंने पूछा वो भाग गया। अच्छा नहीं 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 नहीं, तुम वापस नहीं आ सकते, ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें मार दिया था। हाँ मैंने तुम्हें मार दिया था, 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 मैंने तुम्हें मार दिया था। पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, सारा दिन बेकार दोस्तों के साथ खेलता रहता है। मैंने क्या किया? पर क्या किया मैंने? चल यहाँ से, चल अंदर, स्कूल से भी शिकायतें आ रही हैं तेरी।
तुम वापस नहीं आ सकते, मैंने तुम्हें मार दिया था। मार तो तुमने उन दोनों को दिया था, मुझे नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। कोई बात नहीं, चोर का पता लगते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलो। आपने इसे कहीं देखा है? एक डेढ़ महीने से मैंने इसे यहीं देखा है। इसे जानती तो नहीं, पर थोड़ा अजीब है। एक फोटो भेजी है तुझे, अपने रिकॉर्ड में चेक कर और दो घंटे में बता मुझे कि कौन है ये। तुझे बचाया था और आगे भी बचाऊंगा। तूने उन दोनों को मार दिया, इसे बचाना नहीं कहते? मैंने नहीं, तुमने भी साथ दिया उनको मारने में, और सिर्फ तेरे लिए किया। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं मारा, मैं मार ही नहीं सकता हूँ। तुम्हें लगता है मैं मार सकता हूँ? मेरी हालत देखो, तुम्हें लगता है मैं मार सकता हूँ? नहीं 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 नहीं। हम दोनों ने मारा है। किससे बात कर रहा था तू? कौन है वो? कहाँ है? बता कहाँ है? कौन सर? किससे बात कर रहा था? कौन सर? कोई नहीं है। कहाँ है वो जिससे तू बात कर रहा था? मुझे पता है तूने मार दिया उन दोनों को। चल साले, बताता हूँ तुझे। नहीं सर, वो दोनों तो जिंदा है। कहाँ है वो? कहाँ है? कहाँ है? वो दोनों बाथरूम में। बाथरूम में? लेकिन सर वहां मत जाओ। कौन रोकेगा मुझे? वो आपको भी मार डालेगा। कौन मारेगा मुझे? कौन मारेगा मुझे? मुझे मारेगा?
मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तू रोकेगा मुझे? तू रोकेगा सलन? तू रोकेगा मुझे? जाने नहीं दूंगा। देखा ना, वो दोनों जिंदा है। देखा ना, वो दोनों जिंदा है। सूरज कभी झूठ नहीं बोलता। साले तू क्या बना रहा है? सूरज ने नहीं, मैंने मारा है। सूरज तो एक टायर डरपोक, जमीन में रेंगने वाला नाली का कीड़ा है, और मेरे होते हुए तू उसे जेल ले जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं, मार दिया उसने, मार दिया उसने, मार दिया। Hmm.
इसकी पट्टी हटाओ। लेकिन मैं ये वो मैं देख लूंगी, इसकी पट्टी हटाओ और तुम जाओ। सूरज अभी आपको कैसा फील हो रहा है? ये क्या हुआ? ये देखकर कुछ याद आ रहा है? मैंने नहीं मारा। वो उसने मारा है भाई, जिसने सबको मार दिया वो तुमको भी मार देगा। हाँ, तुमको भी मार देगा। क्यों? वो कहता है जो उसके बीच में आएगा वो सबको मार देगा। हाँ, सबको मार देगा। उसने किन किन लोगों को मारा है? मुझे नहीं पता। सोचो सूरज, सोचो, बताओ कौन है वो, किसने मारा? ये निशान उसी ने दिया ना? सोचो बताओ कौन है वो। तू सूरज को डरा के सच गवाना चाहती है, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। कौन हो तुम? वही जिसने सबको मार दिया। पर इसमें सजा तो सूरज को मिल रही है, उसकी क्या गलती? उसी की गलती है। क्यों, कुछ हुआ था उसके साथ पहले? सूरज की प्रथा होते हुए उसके बाप की मौत हो गई और सूरज की मां उसे गुनहगार मानती थी। इस बोझ के कारण सूरज की मां ने दूसरी शादी कर ली और उससे उसको एक बेटी हुई। फिर मैंने बोला, मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार मैं तुझसे नहीं अपनी बेटी से करती हूँ, समझे? मम्मी देखो, पढ़ाई तो कर रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा। चल दूसरे रूम में जा। भैया मार खा रहे हैं। ए उठ, अपना काम दूसरे रूम में जाके कर। मम्मी को बुलाऊं? भैया मुझे टीवी नहीं देखने दे रहा। मत मारो मुझे मम्मी, मत मारो। बहुत सारा होमवर्क मिला है, नहीं करूंगा तो टीचर भी मारेगी और आप भी मारोगे। मुझसे जवान लड़ाता है, एक तो उसे टीवी नहीं देखने दे रहा, ऊपर से जवान लड़ाता है। चल आज मैं तुझे दिखाती हूँ। चल, जला दिया। भैया चले गए। चला दिया। मार डाला तो लोगों। Hence, it is proved that Suraj is suffering from multiple personality disorder, and the murder of his mother and sister was done by one of his personality. Suraj is innocent, so the court cannot punish Suraj, but also cannot punish the personality within him as well. So considering his problem, Suraj will be kept under police custody, and until and unless he gets well under the doctor's observation, then only he will be released.